केरल के एर्नाकुलम में दिल्ली की निर्भया जैसी वारदात सामने आई है। यहां कानून की पढ़ाई करने वाली एक दलित छात्रा के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक हत्या करने वालों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। लड़की के पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं और उसकी आंतें तक बाहर निकाल ली गई। पुलिस ने इस मामले में 3 संदिग्धों की पहचान कर ली है। इनमें से एक लड़की का रिश्तेदार भी बताया गया। On getting information, when the SI went to the house, he saw that her daughter was dead. She was removed from this place and taken to the hospital. And on 29th, the inquest of the body was done. The opinion was that it was a brutal murder. आखिर ये बलात्कारी कहाँ से आ रहे हैं? ये आ तो समाज से ही रहे हैं, और समाज में कानून का डर क्यों नहीं है? समाज में पुलिस का डर क्यों नहीं है? मुझे लगता है पूरी तरीके से देश की पुलिस व्यवस्था जो है वो फेल हो चुकी है, अपराधियों के मन में भय व्याप्त करने से, और पूरी तरह फेल हो चुकी है महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने में। और इस देश में पूरी तरह से पुलिस को रिफॉर्म की जरूरत है, उनकी वर्दी से लेकर उनकी सोच तक बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये जो खाकी वर्दी है जिसने इतना जबरदस्त तानाशाही का एक जो मेंटालिटी दे रखी है पुलिस वालों को, वहां से लेकर और उनकी मानसिकता तक बदलने की जरूरत है। मुझे लगता है देश में समय आ गया है कि हम घोर विचार करके ये देखें कि पुलिस आम सदस्यों, आम समाज के लोगों को बचाने के लिए है, उनको संरक्षण देने के लिए, या क्रिमिनल्स को संरक्षण देने के लिए।